हेलो एवरीवन वेलकम टू आर अर्थनॉमिक सीरीज वेयर वी शैल डिस्कस वेरियस इश्यूज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमी फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस अभी हाल ही में आरबीआई ने इस पर कुछ गाइडलाइंस इस पर कुछ डिसीजनस लिए हैं तो ये समझने से पहले आर के डिसीजन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होते क्या हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये टी एल टी आर ओ होता क्या है और आरबीआई के डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू टी एल टी आर ओ यह देखेंगे तो वट शैल बी कवर इन दिस वीडियो सबसे पहले तो हम देखेंगे डिसीजन ऑन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो फिर हम देखेंगे वट आर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होते क्या हैं फिर हम देखेंगे वाई हेज आरबीआई टेकन दिस डिसीजन आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है रिसेंट ये लिया क्यों है और इससे पूरी इकोनॉमी को खासकर एनबीएफसी को क्या फायदा होगा और राइट सो बिगिन डू टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं वेल well, पहले हमें एल टी आर ओ पता होना चाहिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पता होने से पहले हमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पता होने चाहिए और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन समझने से पहले हमें रेपो ऑपरेशन पता होना चाहिए राइट right? अगर हमें रेपो पता होगा तो हम समझ जाएंगे कि शॉर्ट टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं लॉन्ग टर्म रेपो क्या होते हैं तो रेपो ऑपरेशन को समझने के लिए ना ये डायग्राम देखना ठीक है ये बॉक्स है ये आरबीआई है ये बैंक है कोई भी रैंडम पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकता है प्राइवेट बैंक हो सकता है और ये नीचे मैंने एनबीएफसी बनाए हुए हैं ऑलराइट नाउ कभी भी इस बैंक को फंड्स की शॉर्टेज हो जाए ना तो ये बैंक ना आरबीआई के पास जा सकता है और इससे लोन ले सकता है ठीक है तो ये बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से फंड्स ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन अच्छा जब भी आप लोन लेते हो तो आपको कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है कुछ गिरवी रखना पड़ता है तो आरबीआई कहता है कि आप मुझसे लोन तो ले लो पर आपको बदले में कोलेटरल गिरवी रखने पड़ेंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ठीक है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता ही है अगर नहीं पता तो ब्रीफ में हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे तो कभी भी बैंक को पैसे की शॉर्टेज होगी ना तो बैंक क्या करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे देगा कोलैटरल और आरबीआई से कुछ पैसा लोन ले लेगा राइट अच्छा ये किस रेट पे देगा आरबीआई आरबीआई जो ये लोन देगा ना अगर आरबीआई बैंक को ये लोन दे रहा है रेपो रेट पे रेपो रेपो रेट पे अगर दे रहा है जो 4.4 चल रहा है अभी अगर आरबीआई ये लोन दे रहा है 4.4 परसेंट पे रेपो रेट पे और बदले में कोलाट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख रहा है तो इसे हम कहते हैं रेपो ऑपरेशन ठीक है अच्छा अगर आरबीआई ये बैंक को जो पैसा लोन दे रहा है अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है चौदह दिन अट्ठाइस दिन तो इसे हम शॉर्ट टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं और अगर आरबीआई बैंक को ये लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म मतलब एक साल दो साल तीन साल तो इसे हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं राइट right? तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होगा इट इज बैंक बोरो टू ईयर मतलब एक से तीन साल तक का लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई एट रेपो रेट और रेपो रेट बहुत ज्यादा कम होता है तो आरबीआई ने फैसिलिटी दी हुई है बैंक को कि आप वो सस्ते में आरबीआई से लोन ले लें राइट right? कभी भी बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी ना तो आरबीआई बोलेगा बैंक को के आप हमसे सस्ते में रेपो रेट सस्ता मतलब रेपो रेट पे लोन ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो उसे हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहेंगे ऑलराइट नाउ एलटीआरओ आपको समझ आ गया टारगेटेड एल क्या होगा टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन पता क्या होगा इस केस में तो ना लॉन्ग टर्म ऑपरेशन में आरबीआई इस कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है बट इस लोन से ये बैंक क्या करता है इससे आरबीआई का कोई लेना देना देना नहीं है आरबीआई कहता है ये जो पैसा आपने ले लिया ये अपने हिसाब से यूज करो इसे ठीक है इसे हम कहेंगे एल टी आर ओ बट जब आरबीआई ये बोलेगा बैंक को कि मैं जो आपको पैसा दे रहा हूं ना उसे आप स्पेसिफिक जगह पर लगा सकते हो और वो स्पेसिफिक जगहें कौन सी होंगी जो मैं बताऊंगा अगर RBI को ना कंडीशन अटैच करके फंड लोन पे देगा बोलेगा ये जो पैसा मैं दे रहा हूं इसे कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही देना है आपने तो उसे हम कहेंगे टारगेटेड एल टी आर ओ तो एल टी आर ओ होता है जो पैसा दिया बैंक को वो बैंक फ्री है कहीं भी उसे इन्वेस्ट करे टारगेटेड एल टी आर ओ होगा कि उसमें आरबीआई बैंक को बोलेगा कि ये जो पैसा आ रहा है ना ये स्पेसिफिक जगहों पे ही जा सकता है इसे आप स्पेसिफिक लोगों को ही लोन दे सकते हो राइट right? तो टीएलटीआर ओ क्या होगा दिस इज अबसेट ऑफ एल टी आर ओ अंडर विच द सेंट्रल बैंक वॉन्ट बैंक ऑप्टिंग फॉर फंड अंडर दिस ऑप्शन टू बी स्पेसिफिकली इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉरपोरेट डेट ठीक है स्पेसिफिक जगहों पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है नाउ ये जो आरबीआई लेके आता है एल टी आर ओ या टी एल टी आर ओ इसका फायदा क्या है The main advantage of this option is that it allows banks to get liquidity for longer durations from the RBI, as compared to short-term repo auctions. तो जो short-term repo auctions होती हैं ना, short-term repo rate पे जो लेते हैं, उसमें तो banks को पैसा मिलता है short-term के लिए, but banks को कई बारी पैसे की किल्लत होती है long-term के लिए, उसे long-term liquidity चाहिए होती है। तो यहाँ पे LTR या TLTRO काम आ जाता है, alright? Now main advantages क्या हैं LTR उसके या TLTRO के? पहली चीज टीआर प्रोवाइड बैंक विद एक्सेस टू चीपर लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्रॉम आरबीआई लॉन्ग टर्म तो आपको पता है चीपर क्यों चीपर का मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन मिल रहा है कम इंटरेस्ट रेट क्या है रेपो रेट राइट तो बहुत ही सस्ते में लोन मिल रहा है बैंक्स को आरबीआई से कम इंटरेस्ट रेट पे और लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है नाउ बैंक्स के पास जब ये पैसा आ जाएगा तो बैंक्स इस पैसे का क्या करेंगे बैंक्स इसे करेंगे। बैंक्स इसे फर्दर लोन आउट करेंगे के के पास पास जब ये पैसा आ गया सपोज इस बैंक आरबीआई से पैसा आ गया अब इस पैसे को बैंक कैसे यूज करेगा बैंक इस पैसे से लोन देगा आगे राइट तो इकोनॉमी में जहां पैसे की रिक्वायरमेंट है वहां पैसा जाएगा तो डोंट यू थिंक पूरी इकोनॉमी में जहां पैसे की किल्लत थी अब आरबीआई ने जो ये बैंक को पैसा दिया है बैंक उसे उन्हीं किल्लत वाले एरियाज में देगा तो डोंट यू थिंक आरबीआई ने जो ये बैंक को पैसा दिया है वो पैसा जब इकॉनॉमी में जाएगा तो वो इकोनमी को बूस्ट करेगा अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी शॉर्टेज है तो आरबीआई से मिला हुआ यह पैसा इकॉनॉमी में पंप होगा और इकॉनॉमी बूस्ट होगी राइट तो इसीलिए बैंक यूज दिस कैपिटल टू लेंड मोर और आगे लोन देते हैं जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती है क्लियर

एज बैंस प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलाट्रल ये देख ही लिया आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलाट्रल रखना पड़ता है बैंक्स को ठीक है डोंट यू थिंक बैंक अब ज्यादा डिमांड करेंगे गवर्मेंट सिक्योरिटीज बिकॉज अगर बैंक को आरबीआई से ज्यादा पैसा चाहिए तोलेटल भी रखना पड़ेगा अच्छा ज्यादा कोलेटरल रखना पड़ेगा तो बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा गवर्मेंट सिक्योरिटीजनी होनी चाहिए राइट right? अच्छा बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा गर्वमेंट सिक्योरिटीजीजीज कहां से आएंगी बैंक को खरीदनी पड़ेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो डोंट यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी ऑफ आरबीआई डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वुड इंक्रीज यस अच्छा जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ती है ना तो उनकी यील्ड गिर जाती है राइट right? और इससे ना इवेंचुअली गवर्नमेंट को फायदा होता है यही लिखा है एज एज प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर द डिमांड फॉर जी सेक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड लोअर यील्ड ऑन दम देयर बाय मेकिंग इट चीपर फॉर अवर गवर्नमेंट टू एक्सेस फाइनेंस अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यील्ड कम हो जाती है ना तो उससे गवर्नमेंट को फायदा होता है क्या फायदा होता है इस वो समझने से पहले आपको गवर्नमेंट बॉन्ड समझने पड़ेंगे नाउ गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं लेट सपोज गवर्नमेंट को ना सौ रुपए चाहिए गवर्नमेंट ना आपसे सौ रुपए बोरो करना चाहती है ठीक है तो गवर्नमेंट ना एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देगी कि मुझे आपसे सौ रुपए चाहिए एक साल के बाद मैं आपको एक सौ सात रुपए वापिस कर दूंगा ठीक है तो गवर्नमेंट ना ये पीस ऑफ पेपर लेती है उस पर प्रिंट कर देती है कि गवर्नमेंट को चाहिए हंड्रेड रुपीज और एक साल बाद गवर्नमेंट आपको वन जीरो सेवन रुपीज वापिस कर देगी तो आज अगर आप गवर्नमेंट को सौ रुपए देते हो तो गवर्नमेंट आपको एक साल बाद एक रुपए दे देगी नाउ जिस पीस ऑफ पेपर पर गवर्नमेंट ने यह लिखा होगा ना उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट को पैसा देने में फायदा क्या है आप आज सौ रुपए गवर्नमेंट को दे रहे हो और आपको एक साल बाद का फायदा हो रहा है 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 ठीक नाउ ये जो 7 रुपीज है ना इसे हम कहते हैं बॉन्ड पे यील्ड यील्ड ज्यादा तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पता है क्या होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बोरो करने का तरीका है गवर्नमेंट को जब भी पैसा बोरो करना होता है ना तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्रिंट करके बेच देती है बेचना मतलब गवर्नमेंट ये बॉन्ड प्रिंट करेगी और इस इंसान को बेच देगी इस इंसान को बेचने का मतलब या ये इंसान बॉन्ड कैसे खरीद रहा है ये गवर्नमेंट को सौ रुपए दे रहा है और बदले में ये पीस ऑफ पेपर ले रहा है ये पीस ऑफ पेपर प्रूफ होगा कि जिस इंसान के पास ये पीस ऑफ पेपर होगा एक साल बाद गवर्नमेंट उसे एक सौ सात रुपए राइट नाउ अच्छा जितना ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड होगी जैसा कि हमने ये बात करी है क्योंकि कोलैटरल चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितना ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड होगी हम जानते हैं किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है राइट right? तो जितना ज्यादा इस बॉन्ड की डिमांड होगी ना उतना ज्यादा इस बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा अच्छा एक और चीज जितना ज्यादा इस बॉन्ड की डिमांड होगी ना उतनी ज्यादा इसकी यील्ड कम हो जाएगी अब यील्ड कम होने का मतलब क्या है लेट सपोज बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड कर रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट को लोन देना चाह रहे हैं नाउ गवर्नमेंट पता क्या कहेगी गवर्नमेंट कहेगी ठीक है इतने सारे लोग लोन देना चाह रहे हैं मुझे पर मैं तो एक ही को चूज करना चाहता हूं तो मैं उसी को चूज करूंगा जो मुझसे सबसे कम यील्ड डिमांड करेगा कोई भी इंसान अगर रेडी हो जाता है सिर्फ पांच रुपए यील्ड पे तो मैं उसे चूज करने को तैयार हूं वो मुझे पैसे दे सकता है तो डोंट यू थिंक जितना ज्यादा लोग बॉन्ड की डिमांड करेंगे जितना ज्यादा लोग गवर्नमेंट को लोन देना चाहेंगे उतनी ज्यादा यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट उसी को चूज करेगी ना जो सबसे कम यील्ड डिमांड कर रहा है राइट right? गवर्नमेंट को तो सस्ता पड़ेगा है तो इसीलिए एल टी आर ओ ऑपरेशन चलाएगा तब बैंक्स बहुत ज्यादा जी सेक्स खरीदेंगे जब बैंक्स बहुत ज्यादा जी सेक्स खरीदेंगे तो उससे क्या होगा उससे इनकी यील्ड कम हो जाएगी अच्छा यील्ड कम हो जाएगी ना तो इससे गवर्नमेंट को ही फायदा होगा पहले गवर्नमेंट को ना सात रुपए देने पड़ रहे थे पैसा बोरो करने के अब गवर्नमेंट को पांच रुपए देने पड़ेंगे तो अब गवर्नमेंट को जो लोन्स मिल रहे हैं ना गवर्नमेंट जो पैसा बोरो कर रही है उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को अगर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को फायदा क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अभी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा बट गवर्नमेंट को बोरो करने का नुकसान पता है क्या उस पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उनपे यील्ड कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट पे जो इंटरेस्ट बर्डन है ना वो भी कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा ऑलराइट right? तो इससे ये ओवरऑल फायदा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल यूज होने की वजह से यील्ड कम होगी और यील्ड कम होने के लिए देयर बाय इट मेकिंग इट चीपर फॉर गवर्नमेंट टू एक्सेस फाइनेंस तो TLTRO या LTRO से से फायदा होता है एक तो इकोनॉमी में बूस्ट आता है लिक्विडिटी इंक्रीज होती है बैंक्स के पास लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी आती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड कम हो जाती है राइट right? नाउ आपको ये सोचना पड़ेगा कि आरबीआई ने ये LTRO की फैसिलिटी निकाली क्यों है वे well, जैसा कि आप जानते हो कि कोविड नाइनटीन क्राइसिस आ गया है। कोविड नाइनटीन क्राइसिस की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस में कैश क्रंच है बहुत सारे बैंक में कैश क्रंच है बहुत सारे एनबीएफसी में कैश क्रंच है तो आरबीआई क्या कर रहा है आरबीआई ना बैंकों को फैसिलिटी दे रहा है कि आप मुझसे सस्ते में रेपो रेट पे सस्ता ही हो गया ना बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो कर लो लॉन्ग टर्म के लिए

पहली बात तो ये जो आरओ की फैसिलिटी है ना ये इंडिया ने इजाद नहीं करी है ये इंडिया की इन्वेंशन नहीं है एलटीआरओ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने कभी करा था जब 2008 में यूरोप में सॉवरन डेट क्राइसिस आया था अब सॉवरन डेट क्राइसिस होता क्या है ये सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे ऑलराइट नाउ आरबीआई इंट्रोड्यूस टारगेटेड ऑन थ मार्च दिस ईयर ठीक है मार्च को क्लियर हो गया था आरबीआई को कि कोविड नाइन्टीन क्राइसिस और लॉकडाउन आने वाला है लॉकडाउन है तो लॉकडाउन से इकॉनमी गिरेगी इसलिए यह लेके आना पड़ेगा ठीक है तो आरबीआई इंट्रोड्यूस ऑन टीएल मार्च दिस ईयर एज अ टूल टू एनहांस लिक्विडिटी इन द सिस्टम राइट Particularly the corporate बॉन्ड मार्केट इन द wake ऑफ कोविड नाइनटीन क्राइसिस कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या होती है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं तो जब कारपोरेट बॉन्ड्स इशू करते हैं तो उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं तो जब गवर्नमेंट को पैसा बॉरो करना होता है तो, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है कॉर्पोरेट्स को जब पैसा बॉरो करना होता है तो, तो, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं राइट चलिए आरबीआई है कि आरबीआई इज रेडी टू गिव 50,000 थाउजेंड या 50,000 करोड़ टू कमर्शियल बैंक अंडर दिस फैसिलिटी ना कुछ कंडीशन रखी है TL, की, जो पैसा मैं दे रहा हूं तुम्हें बैंक्स को कहता है आरबीआई कि जो पैसा आरबीआई बैंक्स को दे रहा है ये -ये फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले तो जो पैसा बैंक्स के पास आएगा थ्रू टीएलटीआर इट शुड बी डिप्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स कमर्शियल तो गवर्नमेंट तो को पैसा चाहिए होता है, तो बोरो करने के लिए वो बॉन्ड इशू कर देता है एनबीएफ को जब पैसा चाहिए होता है तो वो बोरो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर देता है कमर्शियल पेपर ठीक है तो जब एनबीएफसी कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करता है उसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं

छोटी मिड एंड स्मॉल साइज एनबीएफसी को देना है स्पेशली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो बहुत ही छोटी हैं उन्हें दोगे ठीक है दो अच्छा एक और पेनल्टी भी डाली आरबीआई ने आरबीआई ने बोला अगर इस पैसे को 30 दिनों तक आप NBFCs को लैंड नहीं कर पाए तो इस इसे पहले तो आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा था रेपो रेट बट अगर आप तीस दिनों तक इसे लैंड नहीं कर पाए पाएसी को और आपके पास अनडिप्लॉयड पड़ा रहा है ये fund, आपने कहीं दिया ही नहीं तो इस पर आपको रेपो रेट प्लस टू परसेंट जिसे हम टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट भी कहते हैं उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो अगर बैंक्स इस पैसे को लेंड कर देते हैं आगे ठीक है एनबीएफसी को तो आरबीआई कहता है तब तो आप रेपो, रेपो रेट पे मुझे पैसा रेपो रेट रेट रेपो रेट 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 का इंटरेस्ट दो चल रहा है 4.4 तो आपको 4.4 पे करना पड़ेगा आरबीआई को बट अगर आप इस पैसे को एनबीएफसी को नहीं दे पाते तो पता क्या होगा तो आपको फोर पॉइंट फोर प्लस टू परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो एक तरह से पेनल्टी है आरबीआई ने बोला ये जो मैं पैसा दे रहा हूं ये एनबीएफसी के पास पहुंचना चाहिए अगर नहीं पहुंचा तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा Clear? Make sense. अच्छा अभी recently, RBI ने एक और फैसिलिटी दी है को under TLTRO. RBI कहता है कि ना जितने जितने भी भी पैसे देते हैं, जितने भी लोन्स देते हैं, हैं, ठीक है लेट्स सपोज ना हंड्रेड रुपीज के लोन्स दे रहे हैं तो बैंक्स की ओब्लीगेशन है कि उसमें से फोर्टी परसेंट ना प्रायोरिटी सेक्टर में जाने चाहिए क्लियर इसलिए बैंक्स ना बंधे होते हैं कि जितना वो लोन दे रहे हैं उसमें से चालीस लोन ना जैसे अगर सौ रुपए के लोन दे रहे हैं बैंक्स तो चालीस रुपए लोन प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज में जाने चाहिए आरबीआई ने बोला है कि जो पैसा आप TL, के अंडर ले रहे हो ना वो प्रायोरिटी सेक्टर में हम काउंट ही नहीं करेंगे मतलब लेट सपोज आरबीआई से पैसा तो ले लिया बैंकों ने बैंक ना आगे सौ रुपए का लोन दे देते हैं जिसमें से टेन रुपी का लोन दिया है अंडर टीएलटीओ तो टेन रुपी वो ना एक्सक्लूड हो जाएगा तो पहले था हंड्रेड रुपीज में से फोर्टी परसेंट पीएसएल में जाना था अब नाइन्टी रुपीज में से फोर्टी परसेंट नाइनटी रुपीज का फोर्टी परसेंट पीएसएल में जाएगा तो ये जो पैसा आप अंडर TL, TRO, दे रहे हो एनबीएफसी को इसे आप यूज ही नहीं करोगे काउंट ही नहीं करोगे पीएसएल के लिए तो बैंक्स बच जाएंगे दिस इज डन टू इंसेंटिवाइज बैंक टू लेंड टू एनबीएफसी बैंक पे जो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स की जो तलवार लटकी हुई थी वो टीएलटीआर के हिसाब से के उसके आ, मतलब उससे वो हट जाएगी तो जितना पैसा आप एनबीएफसी को दे रहे हो अंडर उस टीएल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट की गाज नहीं गिरेगी उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है बाकी सब पे होगी तो इसीलिए आरबीआई प्रमोट करना चाहता है ताकि बैंक्स जो पैसा ले रहे हैं आरबीआई से वो एनबीएफसी को जाए और एनबीएफसी उस पैसे को कहां दें स्मॉल एंटरप्राइजेस मीडियम एंटरप्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करें और राइट अब फटाफट से हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है इस टीएलटीआरओ के सबसे पहला एडवांटेज इंक्रीज लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल सही देन इट विल बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी हम देख चुके हैं अच्छा ये भी हम देख चुके हैं इट विल बी अ सोर्स ऑफ चीप फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट क्यों क्योंकि इससे क्या होगा गवर्नमेंट बॉन्ड पर कम होगी और जब गवर्मेंट बॉन्ड पर यम होते तो गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है बोरो करने के लिए और इससे गवर्नमेंट जो पैसा उठा रही है वो चीप हो जाएगा गवर्नमेंट को पे ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन नहीं होगा एंड लास्ट इट विल सपोर्ट एम सेक्टर क्योंकि कहते हैं कोविड नाइनटीन क्राइसिस की वजह से एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा हिलेगा बट आरबीआई ने बोला कि परसेंट जो पैसा हम दे रहे अंडर वो जाना चाहिए मिड एंड स्मॉल साइज एनबीएफसी को और मिड एंड स्मॉल साइज एनबीएफसी जनरली हैं ये लैंड करती हैं यह लैंड करती तो इससे एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा All right, so that's it from my side, guys. I hope you understood TLTRO, Targeted Long-Term Repo Operations. If you have any doubts with respect to this lecture, then please write about those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff on economy. Thank